विधवा को मेकअप की क्या जरूरत। पटना हाईकोर्ट की इस टिप्पणी से सुप्रीम कोर्ट काफी नाराज हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट की जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने मेकअप सामग्री और एक विधवा के बारे में पटना हाईकोर्ट की टिप्पणी को अत्यधिक आपत्तिजनक करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि ऐसी टिप्पणी एक अदालत से अपेक्षित संवेदनशीलता और तटस्थता के अनुरूप नहीं है। सुप्रीम कोर्ट 1985 के हत्या के एक मामले में पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर विचार कर रहा था। इसमें एक महिला का कथित तौर पर उसके पिता के घर पर कब्जा करने के लिए अपहरण कर लिया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी। चलिए पूरा मामला आपको बताते हैं। ये मामला 1985 के एक मर्डर केस से जुड़ा है। इस मामले में एक महिला का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई थी। पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में 5 लोगों की सजा बरकरार रखी थी, जबकि 2 आरोपियों को बरी कर दिया था। अदालत ने यह निष्कर्ष निकाला कि पीड़िता उसी घर में रह रही थी जहां से उसका अपहरण हुआ था। कुछ गवाहियों और जांच अधिकारी के बयानों पर इस बात की पुष्टि हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने पीड़िता के घर से मिले मेकअप आर्टिकल्स को उसके वहां मौजूद होने का सबूत मान लिया, जबकि उसी घर में एक विधवा महिला भी रह रही थी। हाईकोर्ट ने इस पर कहा था कि मेकअप आर्टिकल्स विधवा महिला के नहीं हो सकते क्योंकि उसे मेकअप की जरूरत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को मानने से इनकार करते हुए कहा कि ये दलील सबूतों पर आधारित नहीं मानी जा सकती। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ हत्या का ठोस सबूत पेश करने में असफल रहा। अदालत ने कहा कि केवल मकसद पर आधारित होने से मामला साबित नहीं हो सकता, सबूतों की बुनियाद भी मजबूत होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया और उन्हें तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि न्यायपालिका को अपने फैसले और टिप्पणियों में निष्पक्षता और संवेदनशीलता बनाए रखनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ऐसी टिप्पणियां न केवल कानूनी रूप से गलत हैं, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट को हिदायत दी कि वह इस तरह की कोई भी टिप्पणी करने से परहेज करे जिससे जुडिशरी को लेकर लोगों के मन में निष्पक्षता को लेकर संदेह पैदा हो।